हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्लास टेंथ का इंग्लिश ग्रामर ए न्यू स्टाइल से हमने एक्सरसाइज पहली ली है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बताए जाएंगे। इसमें टोटल हमने 15 सेंटेंसेस कवर किए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला सेंटेंस लिखा है, तुम्हारा भाई दिन में 2 घंटे सोता है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, लिखेंगे योर ब्रदर, तो लिख जाएगा यहाँ पर तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। लिखने के बाद स्लीप मीन्स होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्लीप्स, यस लगाते हैं क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। टू आवर्स, एच ओ यू आर एस। अब दिन में है तो इन द डे या इन ए डे लिख सकते थे। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, तुम मेरे भाई को गालियां देते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे यू सब्जेक्ट है, यू एब्यूज, ABUSE। इसमें यस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुवचन हो जाता है, इसलिए हम यस नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर एब्यूज हो गया माई ब्रदर हो गया। अगला सेंटेंस लिखा है, यह लड़का अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस बॉय। अब इसमें आज्ञा का पालन करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ओबे मीन्स आज्ञा मानना, OBEY। यहाँ पर यस लगाइएगा, ओबेज हो गया। और हिज टीचर लिखेंगे HIS, हिज टीचर, TESCHER। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे पिताजी खाना खाने के बाद शाम के समय प्रतिदिन 2 घंटे टहलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आवर फादर, OUR आवर हो गया। फादर लिखेंगे या फिर TH ER फादर। अब यहाँ पर लिखेंगे वॉक मीन्स होता है टहलना, तो WALKES लगाइए, वॉक्स हो गया क्योंकि इंडेफिनिट में लगता है। अब लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए है तो 2 आवर्स लिखेंगे। इतना लिखने के बाद लिखेंगे शाम के समय है, खाना खाने के बाद शाम के समय, तो इवनिंग लिखेंगे EBENING इवनिंग। और खाना खाने के बाद तो आफ्टर AFTER आफ्टर डिनर DINNER, रात्रि भोजन होता है डिनर मीन्स। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, माता जी इस समय किचन में भोजन बनाया करती हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मदर, MOTHER मदर हो गया। कुक मीन्स खाना बनाना होता है या प्रिपेयर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कुक्स लिखेंगे, कुक्स फूड हो गया। इन द किचन, क्योंकि किचन में खाना बनाती हैं, किचन लिखेंगे KITCH और EN, किचन की स्पेलिंग हो गई। अब यहाँ पर लिखा है इस समय, तो एट दिस टाइम लिखेंगे, एट दिस टाइम। तो यह कंप्लीट हुआ ये सेंटेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, शीला के मित्र एक गीत मधुर ध्वनि में सुनाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे शीला की फ्रेंड है, तो यहाँ पर शीलाज फ्रेंड लिखेंगे, SEELA शीलाज, एपोस्ट्रोफी एस लगाइए, FRIEND फ्रेंड हो गया। अब इतना लिखने के बाद सिंग मीन्स सुनाती है या गाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंग्स, सुनाती हो गया। और ए सॉन्ग, SONG सॉन्ग हो गया। सॉन्ग लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे मिसलेनियस वॉइस में लिखेंगे, यहाँ पर सॉन्ग लिखने के बाद इन ए मेलोडियस वॉइस, MELOIOUS मेलोडियस वॉइस, VOICE वॉइस। तो इस तरह से मधुर ध्वनि में हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सातवां सेंटेंस। सातवां सेंटेंस लिखा है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे द सन, द सन मीन्स होता है द सूरज की हो गई, सन। ऑलवेज लिखेंगे ALWAYS ऑलवेज। और राइज मीन्स निकलना होता है, RISES राइजेज। इन द ईस्ट EAST सदैव पूरब में निकलता है, इस तरह से बन जाएगा। अगला सेंटेंस लिखा है, गर्मियों में गर्म हवा चलती है, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ नहीं लिखते हैं क्योंकि ये इंडेफिनेट है, तो यहाँ पर लगाएंगे हमें सबसे पहले ब्लो या फ्लो मीन्स बहना होता है, ब्लो लिखते हैं,
इट ब्लोस, बहती है, हॉट वाइंड, HOTI, हॉट वाइंड, WIND, वाइंड भी लिख सकते थे, यहाँ पर एयर भी लिख सकते थे, एयर मीन्स हवा होती है, और इन द समर गर्मियों में है, इन द समर, SUMMER, तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, सर्दियों की ठंडी हवा हमें परेशान कर देती है, तो इसमें बनेगा द कोल्ड विंटर वाइंड, WINTER, विंटर बाइंड, यहाँ पर एयर भी लिख सकते थे, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ सर्दियों की ठंडी हवा। इतना लिखने के बाद बाइंड हो गया। अब इसमें लिखेंगे डिस्टर्ब, परेशान कर देती है, डिस्टर्ब, डिस टर्ब, TURB, यस लिखते हैं यहाँ पर, डिस्टर्ब्स अस, अस मीन्स हमें, तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, वर्षा ऋतु में कभी कभी जोर की बारिश होती है, तो सम टाइम लिख लेते हैं पहले ही, SOME, सम टाइम, सम टाइम्स हो गया, कभी कभी स्पेलिंग हो गई इसकी। अब यहाँ पर लिखेंगे इट, इट से स्टार्ट करते हैं, इट रेन्स, इट रेन्स हो गया, हैवली, जोर से बारिश होती है तो हैवली लिखेंगे, और ड्यूरिंग, DURING, ड्यूरिंग बारिश के दौरान हो गया ड्यूरिंग, और रैनी द, यहाँ पर द लिखते हैं, और रैनी RAIN बाई रैनी सीजन, SEASON सीजन, इतना बन जाएगा लास्ट वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, तो यहाँ पर बर्ड्स लिखेंगे, BIRDS, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, या FLY फ्लाई इन द स्काई, SKY, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं, हमारा कुत्ता अजनबी व्यक्ति पर भौंका करता है, तो इसको बनाएंगे आवर डॉग, यहाँ पर लिखेंगे आवर डॉग, वार्क मीन्स भौंकना होता है, DOG है लिखा यहाँ पे, बार्क, वार्क हो गया, और एट द स्टैंजर मैन, एट द स्टैंजर, स्टैंजर मैन। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, अंशु सदैव सत्य बोलती है, तो यहाँ पर लिखेंगे अंशु, ANSHU, अंशु, ऑलवेज, ALWAY, ऑलवेज, स्पीक, SPEAK, यस लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए, और द ट्रूथ लिखते हैं, TRUTH, ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, हिमानी सदैव झूठ बोलती है, तो यहाँ पर लिखेंगे हिमानी की सबसे पहले HIMANI, हिमानी हो गया, इसमें लिखेंगे स्पीक, ऑलवेज है, ऑलवेज लगाते हैं क्योंकि सदैव की ऑलवेज होती है, ऑलवेज, स्पीक्स, SPEAK, स्पीक्स, और लाई, LIE, लाई, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस बचा है, गंगा जी गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं, तो इसमें लिखेंगे दा गंगा लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि सब्जेक्ट है दा गंगा, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखेंगे दा गंगा, GANGA, गंगा हो गया, और निकलकर गंगोत्री से निकलकर, तो यहाँ पर उत्पन्न हो रही है गंगा जी, तो ओरिजिनेट लिखेंगे, ORIG, और INGINATES, ओरिजिनेट्स, यहाँ पर से उत्पन्न हो रही है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम, FROM, फ्रॉम गंगोत्री से उत्पन्न हुई है, तो गंगोत्री लिखेंगे, GANGOTRI, गंगोत्री हो गया इतना। अब यहाँ देखते हैं एंड, एंड उसके बाद क्या होता है, विलीन हो जाती है, मर्ज हो जाती है, मतलब बे ऑफ बंगाल लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड मर्ज, MERGE, मर्ज विद, किसमें, द बे ऑफ, BAY, बे मीन्स खाड़ी होता है, ऑफ बंगाल, BANGAL, तो इस तरह से ये लास्ट वाला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आपने सुपर इंग्लिश क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमें कमेंट में ये बताइएगा कि हम इस तरह की एक्सरसाइज
सभी सेंटेंस पे अपलोड करें या नहीं।